Hello students, welcome to Shivangi Jaiswal classes. Today's video is about types of breathing in animals. So we will see some types of breathing process in different animals. So सबसे पहले बात करेंगे what is breathing. Breathing क्या होती है, ठीक है. सबसे पहले हम बात करेंगे what is breathing. Breathing क्या है, पहला क्वेश्चन यही आ जाता है. तो ब्रीदिंग की अगर हम बात करें तो ब्रीदिंग को हम बोलते हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ गैसेस, अब इसमें कौन से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है. एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू ब्रीदिंग ऑर्गेन, ठीक है. हमारा जो ब्रीदिंग ऑर्गेन है या थ्रू ब्रीदिंग पार्ट और ब्रीदिंग ऑर्गेन और ब्रीदिंग पार्ट, यानी कि हमारे हर किसी की बॉडी में कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है जो एक्सचेंज करता है गैसेस का. एंड व्हाई वी नीड दिस एक्सचेंज, क्यों, क्योंकि हमारी बॉडी में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है जो कि हमारे किसी भी यूज़ का नहीं होता. इट इज़ यूजलेस इनसाइड आवर बॉडी, ठीक है, यूजलेस होता है. तो इसे हमें बाहर निकालना होता है, ठीक है, इसे थ्रो करना होता है, बाहर निकालना होता है. और जो ऑक्सीजन होता है इसका यूज़ है हमारी बॉडी में, क्या किस लिए यूज़ है, यूज़ टू प्रोड्यूस एनर्जी. ऑक्सीजन का यूज़ है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए. तो भाई इसे हमें अंदर लाना है और इसे हमें बाहर ले जाना है, ठीक है. और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है. अब बात ये आती है कि व्हाई वी नीड दिस ऑक्सीजन, बिकॉज वी नीड एनर्जी टू सर्वाइव. हर किसी को क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए सर्वाइव करने के लिए. और एनर्जी कैसे मिलती है, फूड से मिलती है. अब बात ये आती है हमको एनर्जी फूड से मिलती है तो व्हाई वी नीड ऑक्सीजन, क्योंकि फूड से एनर्जी निकालने के लिए हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है. बिना ऑक्सीजन के हम उस फूड से एनर्जी नहीं निकाल सकते. इस फूड से अगर मुझे एनर्जी चाहिए, तो मुझे ऑक्सीजन देना पड़ेगा. क्या देना पड़ेगा, ऑक्सीजन. कैसे, देखो इस प्रोसेस को थोड़ा डिटेल में समझते हैं, ठीक है. तो पहले इस एरिया को फिनिश साफ कर देते हैं. देखो हम करते हैं डाइजेशन, ठीक है. क्या करते हैं, डाइजेशन. मान लो हमने कोई फूड लिया, फूड खाया, ठीक है. फूड का हमने क्या किया, डाइजेशन, ठीक है. हमने फूड लिया, फूड का क्या किया, हमने डाइजेशन किया. फूड का क्या किया, डाइजेशन किया. डाइजेशन कहाँ पर हुआ, डाइजेस्टिव ऑर्गेन में, ठीक है. कहाँ हुआ, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स में. अब ये डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स कौन कौन से हैं, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं, माउथ से, ठीक है. माउथ से स्टार्ट होते हैं और फिनिश कहाँ होते हैं, एनस पे, ठीक है, एनस पे. तो ये जो डाइजेस्टिव ऑर्गेन है वो क्या है, दे स्टार्ट फ्रॉम माउथ टू एनस, ठीक है. तो हमने फूड खाया, डाइजेशन स्टार्ट हुआ कहाँ, डाइजेस्टिव ऑर्गेन्स में, यानी कि माउथ, स्टमक, इंटेस्टाइन, ये सब पार्टिसिपेट करते हैं फूड के डाइजेशन में. जब फूड डाइजेस्ट हो जाता है तो बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, ठीक है, बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं, ठीक है. उन्हीं न्यूट्रिएंट्स के साथ साथ कुछ वेस्ट भी निकलता है, ठीक है, वो जो वेस्ट होता है वो क्या होता है, वो एनस के थ्रू, ठीक है, हमारी बॉडी से थ्रो कर दिया जाता है. हम लोग बॉडी से उसको थ्रो कर देते हैं, निकाल देते हैं एनस के थ्रू, ठीक है, थ्रो कर देते हैं हम उसको. लेकिन ये जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं ये क्या होते हैं, गेट यूज्ड अप इन आवर बॉडी. इनका क्या हो जाता है, इनका यूज़ हो जाता है. लेकिन अब इन न्यूट्रिएंट्स में
प्रोटीन बनता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, बट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है जिसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं, ग्लूकोज बोलते हैं। ठीक है, तो बाकी न्यूट्रिएंट्स का अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वी विल डिस्कस ओनली अबाउट ग्लूकोज। तो व्हाट विल हैपन, हमने फूड खाया, फूड का डाइजेशन हुआ, डाइजेशन के बाद बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिले और वेस्ट मिला। न्यूट्रिएंट्स में से एक न्यूट्रिएंट होता है ग्लूकोज, जिसके बारे में अब हम इसको जिसको लेके आगे पढ़ेंगे। तो होगा क्या, ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये जो ग्लूकोज है ये हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। कौन एब्जॉर्ब करेगा हमारी बॉडी में, दिस ग्लूकोज विल बी एब्जॉर्ब्ड बाई इन आवर बॉडी, है ना, बाई इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के अंदर। ठीक है, इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन यानी जो स्मॉल इंटेस्टाइन है हमारा, उसके अंदर इसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और ये एब्जॉर्ब करके कहाँ जाएगा, दिस विल गो इनसाइड ब्लड, हमारी बॉडी में जो ब्लड है वहाँ जाएगा। ठीक है, ब्लड में जाएगा, ये बात यहाँ तक समझ में आई, क्या होगा, ब्लड में जाएगा। ठीक है, ये कहाँ जाएगा, ब्लड में जाएगा, इतनी बात समझ में आई। चलो आगे देखते हैं, ये तो हुआ डाइजेशन वाला प्रोसेस। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या होगा। देखो होगा क्या, इधर हम ब्रीदिंग करेंगे। ठीक है, ब्रीदिंग करेंगे, हमने ब्रीदिंग की, ब्रीदिंग में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ठीक है, ब्रीदिंग में हमने क्या लिया, ऑक्सीजन लिया। ऑक्सीजन हम कैसे लेते हैं, नोज़ के थ्रू। अगर आप नोज़ की बात करो तो नोज़ में टू होल्स होते हैं, टू होल्स होते हैं, दीज टू होल्स आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स, दीज टू होल्स आर कॉल्ड नॉस्ट्रल्स। ठीक है, ये जो दो होल हैं इनको हम क्या बोलेंगे, नॉस्ट्रल्स बोलेंगे। तो ऑक्सीजन गैस जो होती है वो नोज़ के थ्रू जाती है बॉडी में, नोज़ में टू होल्स होते हैं नॉस्ट्रल्स, तो हम बोल सकते हैं ऑक्सीजन गैस नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे नोज़ में जाती है। ठीक है, नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमारे नोज़ में जाती है, एंड देन नोज़ से, ठीक है, क्या होता है, विंड पाइप में जाती है, विंड पाइप में जाती है। ठीक है, और विंड पाइप से ये क्या आएगी, हमारे लंग्स में आएगी। अगर हम ह्यूमंस की बात करें तो हम लोग के पास लंग्स होते हैं, ठीक है, इनका नंबर क्या होता है, टू होता है। ठीक है, दो लंग्स होते हैं, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड बोथ। ठीक है, अब ये लंग्स में जाएगी, लंग्स में जब ये ऑक्सीजन गया, ठीक है, लंग्स में जब ये ऑक्सीजन गया तो लंग्स में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ठीक है, बहुत सारे ब्लड वेसल्स जाते हैं लंग्स से। अब ये ऑक्सीजन कहाँ गया, इस ब्लड वेसल में गया, और ब्लड वेसल में क्या फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है, ब्लड फ्लो करता है। तो इसका मतलब ये ऑक्सीजन एक्चुअली में कहाँ पहुँच गया, ब्लड के अंदर पहुँच गया। अभी मैंने बताया कि ग्लूकोज भी कहाँ पहुँचा, ब्लड के अंदर पहुँचा। तो कुल मिला चुला के बात अब यहाँ आ गई, बात ये आ गई कि ऑक्सीजन जो है वो भी कहाँ पहुँचा, ब्लड में पहुँच गया, और ग्लूकोज जो है वो भी कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया, ये भी कहाँ पहुँच गया, ब्लड में पहुँच गया। ठीक है, अब हमें पता है कि ब्लड क्या करता है, ब्लड का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना। ठीक है, ट्रांसपोर्ट करना, इन द सेंस कि इट विल ट्रांसपोर्ट, इट विल ट्रांसपोर्ट वन न्यूट्रिएंट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। ठीक है, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, ये डिफरेंट चीज़ों को बॉडी के अंदर जो भी मटेरियल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, उनको वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, पूरे बॉडी में इसलिए फ्लो करता है। तो ब्लड क्या करता है, ट्रांसपोर्ट का काम करता है। तो इसका मतलब ब्लड इस ऑक्सीजन को भी कैरी करेगा और इस ग्लूकोज को भी कैरी करेगा, बोथ विल बी इनसाइड द ब्लड। अब ये कहाँ ट्रांसपोर्ट करेगा, सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा, हमारी पूरी बॉडी सेल्स से मिलके बनी है, तो इसके अंदर ये क्या करेगा, सेल्स के अंदर ट्रांसपोर्ट करेगा। सेल के अंदर क्या पहुँच गया, सेल के अंदर ऑक्सीजन गैस भी पहुँच गई और सेल के अंदर ये ग्लूकोज भी पहुँच गया, ये ग्लूकोज भी पहुंच गया। अब क्या होगा, सेल के अंदर, इनसाइड सेल, मान लो ये हमारा सेल है, ठीक है, सेल है, तो सेल के अंदर क्या होगा, सेल के अंदर ये जो ग्लूकोज है, ठीक है, ये ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, दोनों मिल जाएंगे ना, दे विल मीट टुगेदर एंड फॉर्म एनर्जी। अब यहाँ एक क्वेश्चन ये आएगा,
ना, एक क्वेश्चन ये आएगा कि वाई नॉट आउटसाइड द सेल, वाई नॉट आउटसाइड द सेल, यहाँ ब्लड के अंदर भी तो ये दोनों मिल सकते थे, क्यों नहीं मिल रहे हैं ब्लड के अंदर, वाई दे आर नॉट मीटिंग इनसाइड द ब्लड, वाई, बिकॉज इनसाइड द सेल देर आर सम केमिकल्स, ठीक है, सम केमिकल्स आर प्रेजेंट इन सेल्स, दीज केमिकल्स आर कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, एंजाइम्स बोलते हैं, एंड इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स, इन द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स दिस ग्लूकोज विल रिएक्ट विद ऑक्सीजन एंड फॉर्म एनर्जी, एंड विद एनर्जी, नॉट ओनली एनर्जी, दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, दिस विल फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड गैस, एंड दिस कार्बन डाइऑक्साइड गैस हैव नो यूज़ इन आवर बॉडी, इट हैज़ नो यूज़, वी डोंट नीड कार्बन डाइऑक्साइड, सो वी हैव टू रिमूव दिस, ठीक है, रिमूव, ये हमारे लिए क्या हो गया, इट एक्ट्स एज अ वेस्ट, जो हमारे किसी काम का नहीं है, तो वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, वी हैव टू गेट रिड ऑफ दिस, एंड हाउ वी कैन गेट रिड ऑफ दिस, जस्ट परफॉर्मिंग द सेम एक्टिविटी, जैसे ऑक्सीजन जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से हमें कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेज देना है, जैसे ऑक्सीजन आया, कैसे आया ऑक्सीजन, कैसे आया, हमने नॉस्टल्स के थ्रू ऑक्सीजन गैस हवा से, इन्वायरमेंट से, एटमोसफियर से नोज के अंदर आई, नोज से विंड पाइप में गई, विंड पाइप से लंग्स में गई, लंग्स से ब्लड वेसल में गई जहाँ पर ब्लड था, और ब्लड से ये सेल के अंदर आई, वापस वही मेथड होगा, कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर निकलेगा, ब्लड में आएगा, ब्लड कहाँ होगा, ब्लड वेसल्स में होगा, देन ये लंग्स में पहुँचेगा, देन विंड पाइप में जाएगा, देन नोज में जाएगा, नोज के बाद फिर नॉस्टल से होता हुआ ये क्या हो जाएगा, एटमोसफियर में या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं, एयर में वापस बाहर निकल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसका कोई यूज़ नहीं है, सो दिस प्रोसेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, सॉरी, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, दिस प्रोसेस, ठीक है, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ये क्या है, ये प्रोसेस है आपकी ब्रीदिंग की, ठीक है, ये प्रोसेस आपकी क्या है, ब्रीदिंग की है, ठीक, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है, ऑक्सीजन का आना, ठीक है, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का जाना, ये पूरा प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। अब ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है ना, ये जो ब्रीदिंग का प्रोसेस है, ये प्रोसेस डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में डिफरेंट होता है, कुछ इनके पास अलग अलग ऑर्गेन्स होते हैं, जैसे लंग्स कहाँ देखने को मिलते हैं, ह्यूमंस के केस में देखने को मिलता है ना, ह्यूमंस में लंग्स होते हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग सबसे एडवांस एनिमल्स हैं, तो हम लोगों में लंग्स होता है, एक प्रॉपर स्ट्रक्चर होता है, अदर जो एनिमल्स, काउ, बुफेलो, डॉग, कैट, इन सब में भी क्या होता है, लंग्स होते हैं, लेकिन देयर आर सम लोअर एनिमल्स, सम एनिमल्स विच आर नॉट एज डेवलप्ड एज वी आर, सो ऐसे एनिमल्स में क्या होता है, ऐसे एनिमल्स में जो लंग्स की जगह कुछ डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स होते हैं, डिफरेंट ब्रीदिंग पार्ट्स होते हैं जिससे वो ब्रीदिंग करते हैं। अभी आप बात मैं बताती हूँ, ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया, ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया कि ऑक्सीजन ब्लड में आया, ठीक है, ब्लड यानी कि ऑक्सीजन जो है वो सेल के अंदर गया, दिस प्रोसेस, और ग्लूकोज भी सेल के अंदर गया, एंड दे जस्ट गेट रिएक्ट विद ईच अदर, दोनों एक दूसरे के साथ मिल गए, एंड व्हेन दे रिएक्ट विद ईच अदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, किसके प्रेजेंस में, एंजाइम के प्रेजेंस में, दे फॉर्म सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी एंड कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट, सो एज अ, या फिर कह सकते हैं एज अ वेस्ट और एज एन एक्स्ट्रा प्रोडक्ट, जो कि जिसका कोई यूज़ नहीं है हमारी बॉडी में, तो वो बाहर चला जाएगा, एंड दिस एनर्जी विल गेट यूज्ड अप इन आवर बॉडी, तो इसका क्या हो जाएगा, यूज़ हो जाएगा। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये ब्रीदिंग हुई, ठीक है,
तो ब्रीदिंग प्रोसेस में ये ऑक्सीजन हमें क्यों चाहिए, यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी, ठीक है, दिस विल यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तो एनर्जी कहाँ से प्रोड्यूस हुई, कैसे प्रोड्यूस हुई, अभी आपको समझ में आ गई। तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रेस्पिरेशन एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ब्रीदिंग। अब हम देखते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग ऑर्गन्स इन सम ऑफ द एनिमल्स। देखिए कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ पर बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीदिंग होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जहाँ गिल्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है, कुछ में स्पाइरेकल्स के थ्रू होती है, और कुछ में उनकी स्किन इतनी मॉइस्ट होती है कि उसके थ्रू ब्रीदिंग होती है, ठीक है। तो ये बात हुई। अब देखते हैं हम वन बाई वन बॉडी सरफेस। अगर मैं बॉडी सरफेस की बात करूँ तो बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीदिंग कहाँ पर होती है, बॉडी सरफेस के थ्रू ब्रीदिंग होती है अमीबा में। अब बात ये आएगी कि ये अमीबा क्या है। अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, या फिर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म को हम यूनी सेल्यूलर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनी सेल्यूलर बोलते हैं। तो अमीबा एक सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, सो वी कैन नॉट सी देम बाई नेक्ड आई, ठीक है, नेक्ड आईज से हम इसे, यानी खुली आंखों से हम इसे नहीं देख सकते, बिकॉज इट इज़ ओनली ऑफ सिंगल सेल, इट इज़ ओनली ऑफ द सिंगल सेल, इट इज़ ओनली मेड बाय द सिंगल सेल, और सिंगल सेल को देखना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है विदाउट यूजिंग एनी माइक्रोस्कोप और एनीथिंग, ठीक है। बिना माइक्रोस्कोप यूज़ किए वी कैन नॉट सी द सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, सिंगल सेल को नहीं देख सकते। तो अब आप खुद सोचो कि जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का ही बना है, ठीक है, जो ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल का ही बना है, उसमें लंग्स होना पॉसिबल है, क्योंकि लंग्स जो है ये एक ऑर्गेन है। लंग्स क्या है, ये एक ऑर्गेन है, और ऑर्गेन को बनाने के लिए मिलियन ऑफ सेल्स लग जाते हैं, मिलियन ऑफ सेल्स लगते हैं एक ऑर्गेन को बनाने में, मिलियन ऑफ सेल्स लग जाते हैं, बहुत सारे हजारों सेल लगते हैं, लाखों सेल लगते हैं बनाने में। तो इसका मतलब जो खुद एक सेल का बना है, जिसकी पूरी बॉडी एक सेल की है, उसके लिए लंग्स या कोई ऑर्गेन होना पॉसिबल तो है नहीं। तो ये तो भाई पॉसिबल ही नहीं है इसके केस में। तो क्या होता है, ये सिंगल सेल्ड के ऑर्गेनिज्म होते हैं जो आपको वाटर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक है, फ्रेश वाटर में देखने को मिल जाएंगे, ठीक, बट हम देख नहीं सकते, मतलब उसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी जो होती है इरेग्युलर होती है, ठीक है, इरेग्युलर होती है, यानी कि इनका जो सेल होता है वो हमेशा शेप चेंज करता रहता है, ठीक है ना, ऑलवेज चेंजेस इट्स शेप, ठीक है, अपना शेप हमेशा चेंज करता रहता है। तो अगर हम बात करें तो इसका सेल है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये जो अमीबा है ना, ये क्या करता है, ये अपने बॉडी के सरफेस, यानी कि ये जो इसका सेल का ये सरफेस है, सेल की जो मेम्ब्रेन होती है, सेल के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन होती है, इस मेम्ब्रेन को हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, जो कि आप थोड़े और बड़े हो जाओगे तो मे बी आप पढ़ोगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है, तो सेल मेम्ब्रेन इजी होगा याद करना। तो ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन होती है, ये इसका बॉडी सरफेस है, यानी कि ये अपने बॉडी सरफेस से मेम्ब्रेन के थ्रू डायरेक्टली ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ता है और डायरेक्ट ऑक्सीजन को अंदर ले लेता है, ठीक है। तो बॉडी सरफेस के थ्रू, यानी कि इसका जो मेम्ब्रेन है डायरेक्टली सेल से डायरेक्ट ऑक्सीजन का आना जाना रहता है, यहाँ कोई ऑर्गेन या कुछ भी नहीं होता। तो ऐसा हमें कहाँ देखने को मिलता है, अमीबा या जो भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वहाँ पर देखने को मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं लंग्स। तो लंग्स के थ्रू हमें कहाँ देखने को मिलता है, मैमल्स के अंदर देखने को मिलता है, जो मैमल्स होते हैं, और मैमल्स मैंने बताया था, मैमल्स वो होते हैं ना, एनिमल्स विच हैव मेमोरी ग्लैंड, ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं ना, मेमोरी ग्लैंड्स, ऐसे एनिमल्स जिनमें मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, दे आर कॉल्ड मैमल्स, ठीक है। तो ह्यूमन भी एक मैमल है, तो उसमें लंग्स के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अगर हम ह्यूमन बीइंग का स्ट्रक्चर देखें, ठीक है, प्रॉपर स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है, तो अगर ये नोज़ की बात करूँ तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ नॉस्ट्रल प्रेजेंट होता है, ठीक है, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं,
कितने नॉस्ट्रल्स होते हैं? टू होते हैं, टू होल्स होता है, नॉस्ट्रल्स प्रेजेंट होते हैं। इस नॉस्ट्रल्स के थ्रू क्या होता है, आगे अगर आप स्ट्रक्चर पढ़ोगे तो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से स्ट्रक्चर होता है ये नॉस्ट्रल के अंदर, ठीक है, चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, यहाँ चैम्बर्स होते हैं, यहाँ चैम्बर्स होते हैं, ठीक है। और इन चैम्बर्स के थ्रू अगर आप नेक की बात करो तो यहाँ से फिर एक ट्यूब जाती है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं विंड पाइप। और यही ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर आगे चल के दो ब्रांचेस में डिवाइड हो जाती है, इधर एक लंग लगा होगा और दूसरे साइड एक दूसरा लंग लगा होगा, ठीक है, तो ये हो जाते हैं लंग्स, ठीक है। और फिर फर्दर इनमें भी बहुत सारे ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं, इनमें भी बहुत सारे ब्रांचेस डिवाइड हो जाते हैं। और इन्हीं ब्रांचेस के लास्ट में एक सर्कुलर बॉल जैसा स्ट्रक्चर लगा होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं एल्वियोली, जिसको हम क्या बोलते हैं एल्वियोली, ठीक है। अब बात करते हैं, देखो होता क्या है, नॉस्ट्रल के थ्रू जो होती है वो गैस यहाँ से गई, ठीक है, नॉस्ट्रल के थ्रू यहाँ से ऑक्सीजन गया, यहाँ से होता 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 विंड पाइप से होता हुआ, ठीक है, अब ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, कुछ ऑक्सीजन इधर चला गया, कुछ ऑक्सीजन इधर चला गया, कुछ राइट वाले में चला गया, कुछ लेफ्ट वाले में चला गया, ठीक है। और फिर यहाँ से होता 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 बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, बहुत सारे ब्रांचेस होते हैं, और लास्ट में इस सर्कुलर स्ट्रक्चर दैट इज़ एल्वियोली में जो होगा वो ऑक्सीजन पहुँच जाएगा, ऑक्सीजन गैस पहुँच जाएगी। यहीं पर हमारी बॉडी में बहुत सारी ब्लड वेसल्स गई होंगी, ठीक है, बहुत सारी ब्लड वेसल्स गई होंगी, जिनमें से कुछ ब्लड वेसल्स यहाँ पर आएंगी और अपनी पतली 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 ब्रांचेस ऐसे फैला देंगी, ठीक है, लंग्स के अंदर बहुत सारी ऐसी पतली 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 ब्रांचेस फैली होंगी। तो अब क्या होगा, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर आया है, मान लो ब्लू कलर से हम ऑक्सीजन को शो करते हैं, यहाँ पर ये मान लो ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, ये ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ब्लड वेसल्स में आ जाएगा, ठीक है, आ गया भाई ब्लड में, ब्लड इस ऑक्सीजन को लेके चल दिया, कहाँ चल दिया, बाकी सेल्स को पहुँचाने के लिए, ठीक है, बॉडी पार्ट्स को, अदर बॉडी पार्ट्स को क्या पहुँचाने चला गया, ऑक्सीजन, या फिर हमें कह सकते हैं जितने भी बॉडी पार्ट्स के सेल हैं उनको ऑक्सीजन पहुँचाने चला गया। और इसी ब्लड में, इसी ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड भी तो था, उसे तो भूल नहीं सकते, कार्बन डाइऑक्साइड भी था तो बनाते हैं, ये ब्लड जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी लेकर आ रहा था, तो अब ये जब ऑक्सीजन लेगा तो साथ के साथ कार्बन डाइऑक्साइड को भी वापस भेज देगा, ठीक है, जब ऑक्सीजन लेगा तो साथ के साथ इस कार्बन डाइऑक्साइड को भी क्या करेगा, वापस भेज देगा। तो ये क्या है हमारा, ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, और ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ऑक्सीजन को इसने ले लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को इसने यहाँ दे दिया कि ले लो भाई, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, लग ऑक्सीजन चाहिए, और ये ऑक्सीजन को कहाँ पहुँचाया, सेल्स के अंदर, डिफरेंट जो सेल्स हैं उनके अंदर, ठीक है, उनके अंदर पहुँचाना स्टार्ट कर दिया, ठीक, बात समझ में आई। चलो अब आगे देखते हैं, ठीक, तो इस तरीके से ब्रीदिंग होती है। तो लंग्स के थ्रू ब्रीदिंग हमें कहाँ देखने को मिलती है, ह्यूमंस में, या हम सीधा मैमल्स ही एग्जांपल लिख लिए हैं तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बात करते हैं गिल्स, गिल्स के थ्रू जो ब्रीदिंग होती है वो कहाँ देखने को मिलती है, वो एक्वेटिक एनिमल्स में देखने को मिलती है, और एक्वेटिक एनिमल्स ना कहें तो ज़्यादा बेटर होगा, एक्वेटिक एनिमल से अच्छा होगा कि हम बोले फिशेस में, ठीक है, जो फिश होते हैं उनमें हमें क्या देखने को मिलता है, गिल्स देखने को मिलते हैं, गिल्स के थ्रू उनमें रेस्पिरेशन होता है, ठीक है, गिल्स के थ्रू, या फिर और हम क्या लिख सकते हैं, टैडपोल्स, ठीक है, टैडपोल्स, टैडपोल्स क्या होते हैं, टैडपोल्स लार्वा होते हैं, लार्वा ऑफ फ्रॉग्स, नेक्स्ट चैप्टर में आप लार्वा के बारे में पढ़ोगे तो अभी थोड़ा पेशेंस रखो, फ्रॉग्स के लार्वा होते हैं उनको हम टैडपोल कहते हैं, लार्वल स्टेज ऑफ फ्रॉग्स आर कॉल्ड टैडपोल्स, ठीक है। तो
गिल्स के थ्रू क्या होता है, गिल्स क्या होते हैं बेसिकली, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, पतली पतली ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है। अगर आप फिश को देखोगे, अगर आप फिश को देखोगे, ठीक, तो यहाँ पर आप देखोगे साइड में से पतले पतले वेसल्स होते हैं, ठीक है, पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, पतले पतले ब्लड वेसल्स होते हैं, और इनके ऊपर किसकी, इनके ऊपर ऐसे कवर होता है ना, इनके ऊपर ऐसे कवर होता है, ठीक है। तो जब वो ब्रीदिंग करते हैं तो ये बार बार अप डाउन होते हैं, ठीक है। तो आप देखोगे इसके अंदर, अब ये मान लो कि ये वाटर है, ठीक है, पानी है सब जगह, तो वाटर में भी ऑक्सीजन होता है, वाटर में भी ऑक्सीजन गैस होती है। तो क्या होता है, इनके गिल्स जब ये पानी लेते हैं माउथ से, क्या होता है, गिल्स के पास से जब वाटर होके गुजरता है, ठीक है, गिल्स के पास से जब ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं, गिल्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स हैं, जब वाटर होकर गुजरा, ठीक है, तो ये जो वाटर होता है, ठीक है, ये जो वाटर होता है इसमें जो ऑक्सीजन होता है, ठीक है, इनके अंदर जो ऑक्सीजन होता है वो ये गिल्स क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ये जो ब्लड वेसल्स हैं, गिल्स क्या हैं, ये एक्चुअली में ब्लड वेसल्स हैं, यहाँ पर पतली पतली ब्लड वेसल्स गई होती हैं, ठीक है। तो होगा क्या, ये ऑक्सीजन क्या करेंगी, ये ले लेंगी, ये एब्जॉर्ब कर लेंगी, ठीक है, एब्जॉर्ब कर लेंगी डायरेक्ट ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन को डायरेक्ट वाटर से ये एब्जॉर्ब कर लेंगी। और यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको ये वाटर में, वाटर में छोड़ देंगी, रिमूव कर देंगी, ठीक है, रिलीज़ कर देंगी, कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर देंगी। तो इस तरीके से ये क्या करती हैं, डिज़ोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, जो ऑक्सीजन गैस वाटर में डिज़ोल्व होती है उसको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं थ्रू गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू एब्जॉर्ब कर लेते हैं, और यही इनके ब्रीदिंग। तो हम कह सकते हैं कि फिशेस में व्हाट इज़ द ब्रीदिंग ऑर्गेन इनके, इन फिशेस, तो वो क्या होगा, वो गिल्स होगा, ठीक है। ब्रीदिंग ऑर्गेन फिशेस में क्या होता है, गिल्स होता है, तो गिल्स जो होते हैं वो फिश के ब्रीदिंग ऑर्गेन्स होते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं स्पाइरेकल्स की। स्पाइरेकल्स जो है वो हमें देखने को मिलता है इंसेक्ट्स में, ठीक है, जो इंसेक्ट्स होते हैं उनमें क्या होता है, स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीदिंग होती है। अगर मैं किसी इंसेक्ट का स्ट्रक्चर बनाती हूँ, ठीक है, मान लो ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, ये कोई इंसेक्ट है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इंसेक्ट की जो विंग्स होते हैं वो होंगे, ठीक है, इंसेक्ट के क्या होंगे, विंग्स होंगे। अगर आप देखोगे तो इनके साइड में बहुत ही स्मॉलर साइज्ड पोर्स होते हैं, साइड में बहुत ही स्मॉल साइज के पोर होते हैं, ठीक है, स्मॉल साइज के पोर होते हैं बॉडी में, ठीक है। ये जो स्मॉल साइज्ड के पोर होते हैं, होल होते हैं, ओपनिंग होती है, दीज स्मॉल साइज्ड ओपनिंग, स्मॉल साइज्ड ओपनिंग इज कॉल्ड स्पाइरेकल्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, स्पाइरेकल्स बोलते हैं, ठीक है। और इसी के थ्रू जो होता है वो ऑक्सीजन गैस का आना और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निकलना होता है, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, इन्हीं स्मॉल पोर्स के थ्रू यानी कि स्पाइरेकल्स के थ्रू ब्रीदिंग करते हैं। और ये आगे चल के अंदर बॉडी के अंदर क्या होता है, जो स्मॉल पोर्स होते हैं ना, ये ब्रांचेस में कन्वर्ट होते हैं, पतले पतले ब्लड ब्रांचेस होते हैं, ठीक है, पतले पतले ब्रांचेस होते हैं, पूरे फैले होते हैं पूरे पूरे बॉडी के अंदर, ठीक है, अंदर, ठीक है, ये सारे ब्रांचेस फैले होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकी बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैकी, ठीक है। ये जो स्मॉल ब्रांचेस होते हैं विच इज़ इनसाइड द बॉडी, बाहर क्या दिखता है, छोटे छोटे पोर दिखते हैं बॉडी पे,
और अंदर क्या होते हैं, ये पोर्स, ये जो ओपनिंग्स होते हैं, ये ब्रांच, ये एक ट्यूब से कनेक्ट होते हैं। दिस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन इंसेक्ट्स इज कॉल्ड ट्रैकी। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है इंसेक्ट्स के अंदर, इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैकी। ठीक है, तो इनके थ्रू क्या होता है, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है। ठीक, आगे बात करते हैं लास्ट, मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट स्किन के थ्रू, यानी कि स्किन के थ्रू ब्रीदिंग कहाँ देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिलती है अर्थवॉर्म में। ठीक है, अर्थवॉर्म में देखने को मिलती है। अब यहाँ लिखा है मॉइस्ट स्किन। मॉइस्ट क्यों, मॉइस्ट मतलब गीला, वेट। ठीक है, वेट होना क्यों ज़रूरी है, देखो ब्रीदिंग जो ब्रीदिंग के लिए, गैसेस के एक्सचेंज के लिए कुछ कंडीशंस होती हैं जो फुलफिल होनी चाहिए, यानी कि जो मेम्ब्रेन होती है वो बहुत थिन होनी चाहिए, थिन मेम्ब्रेन होनी चाहिए। ठीक है, उन थिन होगी तो उसमें क्या होंगे, पोर्स होंगे, और पोर्स होंगे तो एक्सचेंज जो होगा वो इजी हो जाएगा, क्योंकि आर पार जाने के लिए क्या होना चाहिए, जगह होनी चाहिए ना। अगर ये वॉल है तो इसके आर पार कैसे जा पाओगे, यहाँ से लड़के वापस आ जाओगे। लेकिन अगर कोई ऐसी वॉल है तो आपको पता है यहाँ से चले जाएंगे हम, ये एरिया है, ये पोर्स है, यहाँ से चले जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ थिन स्ट्रक्चर होगा तभी काम बन पाएगा। तो थिन मेम्ब्रेन होगी तो पोर्स होंगे और उससे गैस का एक्सचेंज इजी हो पाएगा, और मॉइस्ट होनी चाहिए मेम्ब्रेन जो है वो मॉइस्ट होनी चाहिए। ठीक है, जैसे अगर हम लंग्स की बात करें तो मैंने बोला लंग्स के, फाइनली लंग्स के अंदर बहुत सारे ऐसे बॉल जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जिसको हम एल्वियोली बोलते हैं। ठीक है, तो एल्वियोली से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज डायरेक्ट ब्लड वेसल और एल्वियोली में क्यों हो पाता है, क्योंकि ब्लड वेसल की जो मेम्ब्रेन होती है और जो एल्वियोली की मेम्ब्रेन होती है, दोनों ही थिन होती है ना, थिन होती है और क्या होती है, मॉइस्ट होती है, थिन भी होती है और मॉइस्ट भी होती है, तो ये दोनों होना बहुत ज़रूरी है। तो अर्थवॉर्म को अगर आप देखो, तो अर्थवॉर्म की अगर मैं बात करूँ, ठीक, तो अर्थवॉर्म की जो स्किन होती है, ये मान लो अर्थवॉर्म है। ठीक, तो आप सब ने अभी देखा होगा, रेनी सीजन भी है तो देख रहे होगे, अर्थवॉर्म की जो ये जो स्किन होती है ना, ये बहुत थिन होती है और ये हमेशा गीली जगह पे होता है, वेट प्लेसेस पे पाया जाता है, फाउंड इन वेट प्लेस और वेट एरिया। ठीक है, अगर आप इसको सनलाइट में रख दोगे ना, सनलाइट में, या फिर इसको ड्राई प्लेस पे कहते हैं, ड्राई प्लेस पे अगर आप रख दोगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, ये डाई हो जाएगा। ठीक है, मर जाएगा, क्यों, क्योंकि ये ब्रीद नहीं कर पाएगा, क्यों, क्योंकि इसकी जो स्किन होगी वो स्किन विल बिकम ड्राई, और जैसे ही स्किन ड्राई हुई, ब्रीदिंग नहीं हो पाएगा, और बिना सांस लिए, ठीक है, विदाउट ब्रीदिंग, क्या वो जी पाएगा, नहीं, मर जाएगा, जिंदा रह ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इस वजह से ये हमेशा मॉइस्ट एरिया में पाया जाता है, गीले जगह पे पाया जाता है, क्योंकि ब्रीदिंग के लिए, इन गैसेस के एक्सचेंज के लिए कुछ कंडीशन है वो फॉलो होनी चाहिए। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट टाइप्स ऑफ ब्रीदिंग एनिमल्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, एंड इन नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल और उनके बारे में, एंड हाउ दे आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, देयर क्लासिफिकेशन। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअली द किंगडम सिस्टम हम पढ़ेंगे उसके बारे में। ठीक है।